गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन करेंगे। देखिए अभी 2.2 में तो आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है दिए गए थे, जिसमें आपको इक्वेशन बनाना था, फिर हमें अननोन वैल्यू वेरिएबल x की वैल्यू निकालना था, ठीक है। अब यहाँ पे 2.1 और 2.3 ये एक जैसी एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखा है और आपको वेरिएबल्स की वैल्यू बताना, ठीक है। सोल्व द इक्वेशन एंड टेक योर रिजल्ट। आपको वेरिएबल की वैल्यू भी निकालना है और उसके बाद उसको चेक करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, अगर होता है तो उसका वो सॉल्यूशन करेक्ट है। देखो जैसे सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक योर आंसर एंड चेक योर रिजल्ट, ठीक है। हमें रिजल्ट को चेक भी करना है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट 3x इक्वल टू एक्स प्लस 18। क्या क्या है? 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो यहां पे हमें x की वैल्यू बताना है, तो x की वैल्यू हम भाई ट्रांसपोजिंग मेथड से करेंगे। देखो 3x इक्वल टू x प्लस 18, ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड कहलाएगी। इक्वल के बाद वाली साइड RHS, LHS है, ये RHS है, जानते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल वाली नंबर बड़ी है, 2x छोटा है, तो हमें जो छोटी नंबर है उसको ग्रेटर नंबर की तरफ, वेरिएबल वाली की तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो इस 2x को हम लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बताएंगे कि हियर 2x ट्रांसपोजिंग टू LHS, हम 2x को ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं LHS की तरफ। ये प्लस का 2x है, 2x को या प्लस 2x को बात ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये लेफ्ट में आएगी तो माइनस हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। तो 3x ये प्लस की नंबर है, राइट में आए तो लेफ्ट में आएगा तो माइनस की जाएगी। 2x इधर क्या बचेगा राइट में 18, ठीक है बच्चों। अब इसको 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट करो, 1x इक्वल टू 18, यानी x इक्वल 18। तो x आपका आंसर क्या है, 18। अब हमें रिजल्ट को चेक करना, चेक योर रिजल्ट, जो रिजल्ट मिला है उसको चेक करेंगे। अब चेक कैसे करेंगे, देखिए समझ गए बच्चों आप, ये देखिए आपका सॉल्यूशन कितना आया, 18, ठीक है, वो x की वैल्यू। अब आप यहां पे क्या करेंगे, LHS, LHS कितना है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, 3x। अब यहां पे पुट x की वैल्यू, अभी सॉल्यूशन कितना निकला था, 18, कितना फाइंड किया था आपने, 18। अब ये 18 x की वैल्यू पुट करो तो 3 * x की वैल्यू 3x, 3 * x, x से 18 3 था 54, तो LHS की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 54। इसी तरह RHS की साइड क्या है आपकी, 2x प्लस 18, ठीक है। अब इसमें भी हम पुट करेंगे x की वैल्यू, x कितना आपका 18 का आपका आंसर है ना, वो वैल्यू लेफ्ट राइट में रख रहे हैं, दोनों की वैल्यू बराबर आती है तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां पुट करो, 2x मतलब 2 * x, x वैल्यू 18 प्लस 18, देखो तो 18 टू 36 प्लस 18, इसको प्लस करो 54, ठीक है। तो RHS आपका कितना है, राइट हैंड साइड की वैल्यू 54, LHS RHS इक्वल हो गया, समझ गया। अब आप क्या बताएंगे, LHS और RHS की वैल्यू कितनी आई, 54, समझ गए। इसके बाद हम लिखेंगे LHS
इक्वल 54 इक्वल RHS। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, LHS की वैल्यू 54, RHS की 54 है, सो दैट x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कि इस इक्वेशन का जो आप इक्वेशन फर्स्ट का जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या है, ये करेक्ट है। ठीक है, x = 18 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो लेफ्ट राइट के बराबर आ गया 54, हमने जो सॉल्यूशन आया वो लेफ्ट राइट में वैल्यू की इक्वेशन की लेफ्ट राइट में वैल्यू पुट करेंगे और तो लेफ्ट की वैल्यू राइट के दोनों 54 दोनों बराबर आती है तो आप एक लाइन में लिखेंगे कि जो x का जो सॉल्यूशन है वो उस इक्वेशन का है। समझ गए होंगे आप। इस तरह देखिए, इस तरह से इसका एक नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से करना है बच्चों, फिर भी आप देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दे रखा है, 2x-1 इक्वल 14-x। देखो ये लेफ्ट LHS साइड है, ये RHS साइड है, हमें क्या करना है माइनस एक्स, तो इसको 2x की तरफ ट्रांसफर करें। आप ये देखना है किसकी तरफ ट्रांसफर, ये 2x बड़ा है ये x छोटा है, छोटे नंबर को x वाली को लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर, एक नंबर की तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो आप ये बताएंगे इसमें, देखो तो आप ये लिखेंगे हियर माइनस एक्स ट्रांसपोजिंग टू LHS, हम इसको LHS की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसफर करेंगे, ये LHS साइड है। ठीक है, ये माइनस की इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो क्या स्टेप होगा आपकी 2x, ये माइनस एक्स राइट से लेफ्ट मारा तो प्लस एक्स हो जाएगा और इक्वल, और माइनस वन है ये नंबर की तरफ जाएगा, ये माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, ये नंबर कितना राइट में 14 और ये माइनस वन है इसको उधर ले तो प्लस के वन हो जाएगा, 2x 1x 3x और 14 1 15। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चों, x x को एक तरफ ट्रांसफर करो, नंबर को एक तरफ ट्रांसफर करो, समझ गए ना। देखिए ये माइनस की तो राइट की तरफ जाएगी प्लस हो जाएगी, ये माइनस की x है उधर आएगी तो प्लस हो जाएगी। देखो अब यहाँ पे x इक्वल टू 15/3, 3 5 15, तो x की वैल्यू कितना 5, x की वैल्यू कितनी आई 5, तो आपका आंसर कितना है 5। अब हमें क्या करना है, आंसर को चेक करना है। देखो चेक कैसे करेंगे, अब आपको क्या करना है, रिजल्ट को चेक करना है, आंसर चेक। कैसे, अब LHS को पहले, LHS कितना आपका 2x-1, अब यहां पे पुट x की वैल्यू अभी आपने फाइंड करी थी, कितना था 5, कितना निकला था आंसर 5। अब इसको इसमें पुट करो x की वैल्यू, तो ये 2 x की वैल्यू 5-1 2 5 10, तो 10-1 9, LHS की वैल्यू कितनी है 9। इसी तरह से RHS को लेंगे और RHS में पुट करेंगे, देखो RHS में कैसे पुट करेंगे, RHS साइड देखो कितनी है 14-x, अब यहां पे x की वैल्यू पुट करो 5, तो 14-5 9, तो RHS भी 9 है LHS भी 9 है, तो आप क्या बताएंगे आगे, देखो आप ये बताएंगे कि LHS इक्वल 9 जो RHS के इक्वल है, समझ गए ना, RHS की वैल्यू भी वही 9 के इक्वल आ रहा है, तो आप एक लाइन में आगे लिखेंगे सो दैट x इक्वल टू 5, x इक्वल 5 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ गए बच्चों, सॉल्यूशन मतलब आंसर, तो ये x की वैल्यू जो 5 वो इसका सॉल्यूशन करेक्ट है। थैंक यू बच्चों।